प्रेज द लॉर्ड। बताना चाहता हूँ कि मसीह विश्वास का जो आधार है वो है पुनरुत्थान। एक और संसार में बहुत सारे मत हैं, बहुत सारे विश्वास हैं, और मैं बहुत व्यक्तिगत रीति से जानता हूँ कि बहुत सारे जो मत हैं, विश्वास हैं, वो कई सिद्धांतों पर आधारित हैं, कई प्रकार की धार्मिक रीति रिवाजों पर आधारित है या कहानियों पर आधारित है। लेकिन मसीह विश्वास इस संसार में एकमात्र ऐसा विश्वास है जो परमेश्वर की सामर्थ्य पर आधारित है, और उसका सबसे बड़ा प्रकटीकरण है प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान, अर्थात प्रभु यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना। इससे पहले हम जब आगे मनन करें, मैं एक वचन आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। अगर आप पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय और उसके 16 और 17 पद को मैं आपके लिए पढ़ता हूं, ध्यान से सुनिए। यहां लिखा है, यदि मसीह मुर्दों में से नहीं जी उठा, और यदि मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है और तुम अब तक अपने पापों में फंसे हो। जी हाँ, प्रभु यीशु मसीह संसार में इसलिए आए ताकि वो हमारे पापों को क्षमा कर सके। यही मसीह बुनियाद है कि परमेश्वर मनुष्य बना, इस संसार में मनुष्य बनकर रहा 33.5 साल तक। परमेश्वर मनुष्य बनकर, जिसे हम यीशु मसीह के नाम से जानते हैं, उसने क्षमा का संदेश दिया। जैसे हमने गुड फ्राइडे पर भी मरण किया था, उसने क्षमा किया, और इसीलिए पौलुस कहता है कि यदि मसीह का पुनरुत्थान नहीं हुआ तो हमारा विश्वास व्यर्थ है और हम अभी तक अपने पापों में फंसे हैं। तो हमें समझना है कि मसीह विश्वास में पुनरुत्थान की क्या भूमिका है, पुनरुत्थान कितना महत्वपूर्ण है। हम बहुत कम शब्दों में आज इस विषय को मनन करेंगे। मुझे याद है एक बार जब मैं ट्रेन में यात्रा कर रहा था, जयपुर से इलाहाबाद की यात्रा कर रहा था, तो मेरे साथ कुछ पैसेंजर यात्रा कर रहे थे, और मैंने उनको प्रभु यीशु मसीह के बारे में, सुसमाचार के बारे में बता रहा था। मुझे आज तक याद है, वो सुसमाचार बड़ा अच्छा चल रहा था, और उसके बाद जब हम मसीह के पुनरुत्थान पर आए तो वहाँ बैठे एक व्यक्ति ने प्रश्न पूछा। उन्होंने कहा कि हमें आपकी सारी बातें अच्छी लगी, सब कुछ आपने जो बताया वो बहुत बहुत ही अनुपम था, बहुत ही अच्छा था, लेकिन क्या अगर पुनरुत्थान सही ना हो। विश्वास कीजिए, मान लीजिए कि अगर पुनरुत्थान सही ना हो तो तब आप सोच सकते हैं कि अगर हम प्रभु के बारे में बहुत कुछ बात करते हैं, विषय में बात करते हैं, उसके संसार में आने के बारे में बात करते हैं, हम उसके लोगों को चंगाई के बारे में बात करते हैं, और प्रभु यीशु मसीह ने मुर्दों को जी उठाया, दूसरे मुर्दों को जीवन दान दे दिया, इन सब बातों में हम बात करते हैं, लेकिन क्या हो अंततः स्वयं प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान ना हो, वो स्वयं उस मृत्यु पर जयवंत ना हो, तो हमारा विश्वास जो है वो व्यर्थ है और हम अभी तक, जैसा पौलुस कहता है, हम अभी तक अपने पापों में फंसे हैं। मैं इस प्रश्न को आपके साथ बदल कर रखना चाहता हूं। प्रश्न ये था कि क्या संभावना है कि अगर यीशु मसीह का पुनरुत्थान ना हुआ हो। ठीक है, अगर प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान ना हुआ तो ये सब कहानियां झूठी हैं और हमारा विश्वास व्यर्थ है, और हमारा ये सेलिब्रेशन ऑफ रिजरेक्शन है ये भी व्यर्थ है, ये सब कुछ व्यर्थ है। लेकिन इस सवाल को हम इस तरह से बदल के पूछें, क्या अगर पुनरुत्थान सही है। मेरी बात पर ध्यान दीजिए, क्या अगर पुनरुत्थान सही है तब क्या होगा। तब संसार को इसे स्वीकार करना पड़ेगा और इस महत्वपूर्ण दिन और इस महत्वपूर्ण घटना को मानना पड़ेगा कि पुनरुत्थान सही है। आज हम इस छोटी सी स्टडी में थोड़ा मनन करेंगे कि क्या प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान सही है या गलत है या झूठा है या ये वास्तव में एक ऐतिहासिक घटना है। इससे पहले कि मैं आपके सामने इस सवाल को लेकर आऊं कि प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान सही है, सच है, या एक घटना है, या ये हॉक्स है, एक कहानी है, एक कल्पना है, या इस पृथ्वी पर मानवीय इतिहास की एक सबसे मजबूत घटना है, सवाल अभी ये नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान सही है या गलत है। पहला सवाल ये है कि प्रभु यीशु मसीह को किसने मारा और क्यों मारा। पुनरुत्थान से पहले हम देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह को किसने मारा और क्यों मारा। हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को रोमन्स गवर्नमेंट, जो रोमन्स एम्पायर था, जो रोमन्स किंगडम था, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को मारा, और कैसे मारा और क्यों मारा। ये दो महत्वपूर्ण तीन प्रश्न हैं, क्यों मारा और कैसे मारा। हम सब जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर एक मृत्यु दंड दिया गया। गुड फ्राइडे, अभी 2 दिन पहले हम लोगों ने इस पर मनन किया था। जीसस वॉज डाइड ऑन क्रॉस, ही वॉज put on the cross and he died. लेकिन क्यों मारा गया, इसके पीछे मैं जल्दी से आपका अटेंशन लेकर आना चाहता हूं। There was two basic reason. जो यीशु मसीह को मारने के पीछे जो रीजन था, उसके पीछे दो बहुत महत्वपूर्ण कारण थे। पहला कारण था कि प्रभु यीशु मसीह प्रॉमिस्ड मिसाया है, अर्थात उस
उसके चेलों ने यह दावा किया, उस पर विश्वास करने वालों ने यह दावा किया, यहां तक कि यीशु ने भी जो कहा और करके दिखाया वो इस बात को प्रकट कर रहा था कि वो परमेश्वर मनुष्य बनकर इस संसार में आया। He is a God in flesh. The Bible says, God became man and dwelt among us. परमेश्वर मनुष्य बनकर हमारे बीच में आया। और ये जानने के बाद पूरे रोमन गवर्नमेंट में खड़कंप मच गया कि हमारे बीच में एक व्यक्ति है जो ये कहता है कि वो परमेश्वर है या परमेश्वर का पुत्र है। जी हाँ, या तो वो परमेश्वर है, परमेश्वर का पुत्र, एक बड़ी बात है। परमेश्वर स्वयं इस संसार में मनुष्य बनकर आ गया। और जो दूसरा मुख्य कारण था वो था कि प्रभु यीशु मसीह गवर्नमेंट को, सरकार को टैक्स देने से मना करता है। तो हम देखेंगे, इसके लिए हम देखेंगे मती उसका 17 अध्याय, जल्दी से आप निकाल लीजिए अगर आपके पास पवित्र शास्त्र बाइबल है, और आप देखें मती उसका 17 अध्याय और 24 पद। यहां लिखा है, जब वे कफरनहूम पहुंचे तो मंदिर का कर लेने वाले पत्रस के पास आकर पूछा कि तुम्हारा गुरु मंदिर का कर क्यों नहीं देता, क्यों नहीं देता, या उसके बारे में क्या टिप्पणी है प्रभु यीशु मसीह के विषय में, कर के विषय में। दूसरा हम मत्ती उसका 22 अध्याय जल्दी से पढ़ेंगे और उसके 15 से 22 पद को पढ़ेंगे। तब फरीसियों ने जाकर आपस में विचार किया कि उसको किस प्रकार की बातों में फंसाएं। देखिए, ये प्रभु यीशु मसीह को मारने के लिए प्लानिंग की जा रही है। हमारा सब्जेक्ट है, हमारा विषय है कि क्या प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। लेकिन इस विषय को जानने के लिए हमें इस बात को जानना जरूरी है कि यीशु मसीह को किसने मारा और क्यों मारा। हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह को जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, उसका ये फैसला है कि प्रभु यीशु मसीह को मृत्यु दंड दिया जाए। और क्यों दिया जाए, हमने बात की कि पहला कारण था कि वो अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कहता है या परमेश्वर गॉड इन फ्लैश कहता है। और जो दूसरा कारण बन रहा है वो बन रहा है, तब फरीसियों ने आकर आपस में विचार किया कि उसको किस प्रकार की बातों में फंसाया जाए, उस पर आरोप लगाया जाए, उस पर दोष लगाया जाए, ताकि उसको मृत्यु दंड दिया जाए। आगे हम इस कहानी को जानते हैं कि लोगों ने यीशु मसीह से पूछा कि हमें कर देना चाहिए कि नहीं, शुड बी पेड टैक्स और नॉट, हमें जो गवर्नमेंट को जो हम टैक्स देना चाहिए और नहीं देना चाहिए। इस पर आप जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने एक सिक्का लिया और सिक्के को देखकर कहा कि इस पर किसका चित्र है। लोगों ने कहा कि इस पर राजा का चित्र है। यीशु ने कहा कि जो राजा का है उसे राजा को दे दो, जो परमेश्वर का परमेश्वर को दे दो। लेकिन वर्स 15 को आप ध्यान से पढ़िए, वर्स 15 में लिखा है कि उन्होंने प्लान किया ताकि यीशु मसीह के ऊपर आरोप लगाया जाए, उसके ऊपर एक बेबुनियादी एक वजह डाली जाए कि इसको मारने का कारण क्या बने। और यही दो मुख्य कारण बने जो यीशु मसीह को पिलातुस के सामने ले गए, गवर्नमेंट के सामने ले गए, और यीशु मसीह को मारने की भूमिका बन गई। और हम सब जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया गया, एंड जीसस वॉज ऑन द क्रॉस एंड ही डाइड। हमने गुड फ्राइडे सेलिब्रेट कर लिया। लेकिन अगर आप मरकुस उसका 8 अध्याय हम पहले देखेंगे और उसके 31 पद को आप यहां पढ़ें, यह लिखा है कि यीशु मसीह ने स्वयं अपने डेथ के विषय में प्रेडिक्शन किया, भविष्यवाणी की। अर्थात यीशु मसीह के साथ जो घटनाएं घट रही हैं, उसके जीवन में जो बातें हो रही हैं, वो कुछ अचानक नहीं है। इट्स नॉट एन एक्सीडेंट। द डेथ ऑफ जीसस क्राइस्ट वॉज नॉट एन एक्सीडेंट, बट इट वॉज ए प्री प्लान। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को मरकुस उसके 8 अध्याय 21 पद में लिखा है, तब सिखाने लगा कि मनुष्य के पुत्र के लिए अवश्य है कि वह दुख उठाए और पुण्य और प्रधान याजक और शास्त्री उसे तुच्छ समझकर मार डालें और वो तीसरे दिन जी उठे। देखिए, यहां पर प्रभु यीशु मसीह स्वयं अपनी मृत्यु की भविष्यवाणी कर रहे हैं और स्वयं अपने पुनरुत्थान की भविष्यवाणी कर रहे हैं। आप इस बात को ध्यान से समझिए कि हम यीशु के पुनरुत्थान की बात कर रहे हैं, लेकिन यीशु के पुनरुत्थान से पहले हमें उसकी भूमिका को समझना है कि यीशु को किसने मारा और क्यों मारा। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, और ये प्रश्न बिल्कुल सिंपल सा सवाल है। हम कैसे कह सकते हैं कि एक व्यक्ति सच बोल रहा है या उसका जो वो जो सिखा रहा है उसमें एक सत्यता है। इसके पीछे तीन बातें हैं। एक व्यक्ति क्या सोच रहा है, वो क्या बोल रहा है और क्या कर रहा है। ध्यान से सुनिए, एक व्यक्ति क्या सोच रहा है, क्या बोल रहा है और क्या कर रहा है, इन तीनों बातों में समानता होनी चाहिए, तब हम कह सकते हैं कि इस व्यक्ति के जीवन में सत्य है, यह सत्य बोल रहा है। उदाहरण के तौर पर अगर मैं आपसे कहूं आप प्रेम रखें और क्षमा करें, मैं सोचता हूं कि मैं प्रेम रखूं और मैं आपको भी बोलता हूं आप प्रेम रखें, मैं सोचता हूं कि मैं लोगों को क्षमा करूं और मैं आपको भी सिखाता हूं कि आप क्षमा करें, लेकिन हम उसे
प्रैक्टिस नहीं करते, हम जो सोच रहे हैं, हम बोल रहे हैं, लेकिन हम उसे कर नहीं रहे, तो हमारे अंदर झूठ है, हमारे अंदर सत्य नहीं है। इसी बात को हमें समझना है। यीशु मसीह के जीवन में हम एक सत्यता को देखते हैं। उसने कहा प्रेम रखो, उसने प्रेम किया, उसने सोचा, उसने कहा और करके दिखाया। यीशु ने सोचा क्षमा करो, बोला क्षमा करो और क्षमा करके दिखाया, अर्थात यीशु ने जो सोचा, जो बोला और जो किया उसमें समानता है। अब जो यीशु मसीह यहां पर कह रहे हैं कि देखिए मुझे शास्त्री और फरीसी पकड़ेंगे, मुझे मार डालेंगे और मैं तीसरे दिन जीवित हो उठूंगा। That is the statement of Jesus Christ. यीशु मसीह ये बात कह रहे हैं। अब यीशु जो बोल रहे हैं और जो सोच रहे हैं, जो बोल रहे हैं और जो कह रहे हैं, इनमें हम समानता देखते हैं। यीशु ने कहा मुझे पकड़वाया जाएगा, उसने भविष्यवाणी की और यीशु को पकड़वा दिया गया, उसे पकड़वा दिया गया और उसी के अनुसार, प्रभु यीशु मसीह के अनुसार ही यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया, उसे मार दिया गया और यीशु के अनुसार ही वो तीसरे दिन जीवित होगा। See, this is not what we are claiming, but Jesus himself said that he would resurrect after third day. वो तीसरे दिन जो है वो जीवित होगा। अब हम देखते हैं यीशु मसीह के जीवन में एक और मुख्य उदाहरण। यीशु मसीह कहते हैं, Jesus said, I am the resurrection and I am the life. It's very easy to say. ये कहना बहुत सरल है कि मैं पुनरुत्थान और जीवन हूँ, लेकिन हम इस विषय को मनन करें, इस विषय को चिंतन करें। अगर यीशु मसीह ये कहते हैं कि मैं पुनरुत्थान और जीवन हूं, अगर वो सोचता है और वो बोलता, अब उसे कर दिखाना होगा। और हम जानते हैं पवित्र शास्त्र बाइबल इस बात का प्रकटीकरण करता है कि जब लाजर मर गया था, यीशु मसीह लाजर की कब्र पर गए और उन्होंने लाजर को जिंदा कर दिया। जब वो एक छोटी लड़की जो अपने अपने घर में मर चुकी थी, उसका वर्णन आप जानते हैं, मैं बहुत डिटेल में नहीं जाना चाहता आज, वो मर चुकी थी, यीशु मसीह उसके घर पर गए, यीशु मसीह ने उसका हाथ पकड़ा, बोला तलिता कुमी और वो लड़की जीवित हो गई और ठीक इसी तरह उसने बीमारों को चंगा किया। When Jesus said he is the resurrection and he is the life, it makes sense because what he is saying, it he is doing, जो वो कह रहा है वो हो रहा है। और यीशु मसीह जिसने कहा कि मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा, वो जी उठा। अब हम पवित्र शास्त्र बाइबल के उस महत्वपूर्ण पद को देखेंगे जहां पर पुनरुत्थान, यीशु मसीह के पुनरुत्थान की जो घटना है वो हमको मिलती है। Shall we open book of Matthew? हम मत्ती की इंजील खोलें और उसके 28 अध्याय जो कि उसका अंतिम अध्याय है उसको हम देखेंगे। वह लिखा है दूसरे पद से, मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। और देखो एक बड़ा भूकंप हुआ और प्रभु का एक स्वर्गदूत उतरा, पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया और वो पत्थर पर बैठ गया। आप जानते हैं उसका जो रूप है वो बिजली का सा चमक रहा था और ये सारी घटना आप जानते हैं। उसके भय से पहरुए पे जो कांप उठे, जो वहां पर सोल्जर्स थे वो कांप उठे और वो मृतक के समान हो गए। और लिखा है पांचवें पद में, स्वर्गदूतों ने स्त्रियों से कहा मत डरो, मैं जानता हूं कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया हो ढूंढती हो। वे यहां नहीं परंतु अपने वचन के अनुसार, देखिए अपने वचन के अनुसार, दिस इज इंपॉर्टेंट, अपने वचन के अनुसार वो जी उठा है, वो यहां नहीं है, वो यहां नहीं है। और आगे वचन में लिखा है, और शीघ्र जाकर उसने चेलों से कहा कि वो मृतक में से जी उठा है। और बाइबल कहती है आठवें पद में, वे भय और बड़े आनंद के साथ कब्र पर शीघ्र लौटकर चेलों को समाचार देने के लिए दौड़ पड़ी। तब यीशु उन्हें मिला और कहा सलाम, और ये सारी घटना आप जानते हैं। और फिर वो जो महिलाएं हैं वो चेलों के पास दौड़ी और चेलों ने जाकर यीशु मसीह का दर्शन देखा। अब हम इस घटना के लिए थोड़ा सा रुकेंगे और एक महत्वपूर्ण उदाहरण पर मनन करेंगे। एक बार मैं अपने एक मित्र से मिलने के लिए गया, उसके घर पर गया और मैंने देखा कि उसके घर के बाहर जो मेन डोर है उसके बाहर उसने एक रैंप बनाया है। रैंप आप समझते हैं जिस पर हम व्हीलचेयर लेकर हम ऊपर जा सकते हैं, या वो जो स्लाइडिंग होता है वो रैंप बनाया हुआ था। मैंने अपने दोस्त से पूछा कि ये जब मैं पिछली बार आया था ये बाहर रैंप नहीं था और आपने ये रैंप क्यों बनाया। मेरे मित्र ने मुझे बताया कि कुछ महीनों पहले उनकी जो माँ है, उनकी माँ का एक्सीडेंट हो गया और पैर टूट गया और उनके लिए उस घर से बाहर निकलना, सीढ़ियों से बाहर निकलना मुश्किल था और इसलिए उनको डॉक्टर के पास लाया ले जाना जरूरी था। इसलिए उन्होंने वो रैंप बनाया ताकि व्हीलचेयर पर बैठा कर वो अपनी माँ को गाड़ी तक ले जा सके और उसके बाद वो हॉस्पिटल जा सके।
ये एक छोटा सा उदाहरण है, लेकिन इस उदाहरण को हम समझने की कोशिश करेंगे। मेरे मित्र ने कहा कि हमने ये रैंप इसलिए बनाया है क्योंकि मेरी माँ का एक्सीडेंट हुआ। अब सवाल ये उठता है कि अगर ये रैंप उसने इसलिए बनाया कि उसकी माँ का एक्सीडेंट हुआ, तो मुझे उसकी माँ से पूछना होगा कि क्या आंटी ये बात सही है, इज इट ट्रू, क्या आज से कुछ दिनों पहले आपका एक्सीडेंट हुआ और इसलिए ये रैंप बनाया गया। An event must help an event. एक घटना दूसरी घटना को सपोर्ट करनी चाहिए। और जब वो रैंप बनाया गया होगा, मुझे विश्वास है वहां पर लेबर आई होगी, वहां पर एक मिस्त्री आया होगा, वहां पर जो दूसरे लोग उस रैंप को बनाने के लिए आए होंगे, और उसके अलावा मेरा मित्र जब अपनी माँ को हॉस्पिटल ले जाता होगा, वहां पर एक डॉक्टर होगा, वहां पर एक नर्स होगा, और हो सकता है कि वहां पर पड़ोसी भी हो जिन्होंने इस सारी घटना को देखा हो। मैं आपको ये घटना और ये बातें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि पवित्र शास्त्र बाइबल जिस घटना का वर्णन कर रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थान से मृत्यु पर जयवंत हुआ, ये केवल प्रभु यीशु मसीह और प्रभु यीशु मसीह के शिष्यों तक सीमित नहीं है। वी हैव टू काइंड ऑफ एविडेंस। यहाँ पर दो प्रकार के हमको एविडेंस मिलते हैं, इंटरनल एविडेंस एंड एक्सटर्नल एविडेंस। इंटरनल एविडेंस यीशु मसीह स्वयं, ये घटना यीशु के साथ घट रही है, और दूसरा यीशु मसीह के शिष्य जो यीशु मसीह से प्यार करते हैं। अगर उदाहरण के तौर पर अगर मेरा मित्र इस बात को झूठ बोलता है और उनकी माँ भी झूठ बोलती है, उनका परिवार झूठ बोलता है, तो वो पकड़े जाएंगे क्योंकि मैं बाहर के लोगों से इस घटना के बारे में पूछ सकता हूँ, क्या ये घटना सच है। मैं उस मिस्त्री से पूछ सकता हूँ, मैं उस डॉक्टर से मिल सकता हूँ, मैं उस नर्स से मिल सकता हूँ, मैं पड़ोसियों से पूछ सकता हूँ। ठीक इसी तरह जब हम इस घटना की बात कर रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर सजा दी गई, उसको मारा गया, उसको रोमन सरकार ने गवर्नमेंट ने क्रूस पर चढ़ा दिया गया, ये घटना केवल प्रभु यीशु मसीह और उसके चेलों तक सीमित नहीं है, इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, इसमें रोमन सिपाही इन्वॉल्व हैं, इसमें प्रभु यीशु मसीह के शिष्य इन्वॉल्व हैं, इसमें एक बड़ी भीड़ इन्वॉल्व है। और यीशु मसीह, हम आगे देखेंगे, जब प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ, बाइबल बताती है कि यीशु मसीह अपने शिष्यों से मिलने के लिए आए। इसके लिए हम लूका उसका 24 अध्याय और 26 पद से पढ़ सकते हैं। चेले जो यीशु मसीह के शिष्य हैं, वो डर कर खड़े हैं और यीशु मसीह उनके बीच में प्रकट हुआ। देखिए, एक बहुत बड़ा एक गैप यहाँ पर हम देखने को हमें मिलता है। वो गैप ये है कि जब यीशु मसीह को पकड़ा गया और उसको क्रूस पर ले जाकर मार दिया गया और उसको कब्र में रख दिया गया, ये सारी घटनाएं आपस में कनेक्ट होती हैं। ये घटनाएं आपस में कनेक्ट, आप इसको समझिए। ये ऐसा नहीं कि यीशु मसीह को बस रातों रात क्रूस पर ले गए। उसके पहले की भूमिका को देखिए, उसके पहले के आप उदाहरणों को देखिए। एक बहुत बड़ा यहाँ पर मैं आपको जो सब्जेक्ट देना चाहता हूँ वो ये है, अगर आप मत्तियो का 28 अध्याय पढ़ें, बुक ऑफ मत्तियो, और उसका 28 अध्याय और 12 से 15 पद को पढ़ें, यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। लिखा है, तब उन्होंने पुण्यों के साथ इकट्ठे होकर संपत्ति की और सिपाहियों को बहुत चांदी देकर कहा, यह कहना कि रात को जब हम सो रहे थे तो उसके चेले आकर उसे चुरा कर ले गए। देखिए, जब यीशु मसीह कब्र से बाहर आए तो एक बड़ा भूकंप हुआ, एक बड़ा भिड़ोल हुआ, और वो जो रोमन प्रोफेशनल सोल्जर्स वहां पर थे वो भाग गए और उन्होंने जाकर सरकार को बताया कि जो कुछ उन्होंने देखा, वो सारी घटना उन्होंने बताई, किस तरह से प्रभु यीशु मसीह जीवित हो गया है, और वो जो सील जो है कब्र के ऊपर लगी है, जो पत्थर वहां पर लगाया गया था वो टूट गया, वो पत्थर हट गया वहां से और सील टूट गई। और इस बात का वर्णन ये सिपाही जाकर सरकार को कर रहे हैं, गवर्नमेंट को बता रहे हैं। और वहां पर क्या हुआ, गवर्नमेंट ने, सरकार ने उनको पैसे दिए इस बात के लिए कि ये कह देना कि आधी रात को उसके शिष्य यीशु मसीह की लाश को, उसकी जो डेड बॉडी है उसको लेकर चले गए। मेरे प्रियो, यहां पर एक सवाल खड़ा होता है, वो शिष्य जब यीशु को मारा जा रहा था, यीशु मसीह को सताया जा रहा था, बाइबल कहती है यीशु मसीह को छोड़कर भाग गए, और उसके बाद में भी हम इस बात को, इस घटना को मनन करते हैं कि वो सारे लोग डर कर कांप रहे थे और ऊपरी कोठरी पर बंद थे और यीशु मसीह उनके बीच में आ गया। मेरे प्रियो, यहां पर एक सवाल खड़ा होता है कि अगर अगर
यीशु मसीह के शिष्य जो यीशु मसीह की लाश को, उसकी डेड बॉडी को ले जाने की हिम्मत रखते हैं, वो यीशु मसीह को बचाने जब क्रूस पर चढ़ाया जा रहा था तब वो यीशु को बचाने क्यों नहीं गए? जब यीशु जिंदा था, when he was alive, तब उनके अंदर वो सामर्थ्य, वो साहस नहीं था। लेकिन यीशु मर गया है और मरने के बाद वो कमजोर प्रभु यीशु मसीह के शिष्य, डरे हुए शिष्य, आप कल्पना कीजिए रोमन सरकार के उस लगी हुई सील को तोड़ेंगे और यीशु वहां पर जो प्रोफेशनल सोल्जर्स खड़े हैं उनके संग झगड़ा करेंगे, किस बात के लिए? कि वो यीशु की लाश को निकाल कर ले जाए? नो, दैट्स नॉट अ वैलिड पॉइंट। बाइबल कहती है यीशु मसीह कब्र से बाहर आया, स्वर्गदूत वहां पर थे और उन्होंने मरियम से बात की, मरियम मगदलीनी से बात की और फिर वो दौड़कर चेलों के पास में गई और फिर चेले कब्र पर आए और उन्होंने उस स्थान को खाली देखा। The empty tomb is a great witness that Jesus is alive. खाली कब्र इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि यीशु मसीह जिंदा है। मेरे प्रियो, यही मसीह विश्वास की सबसे बड़ी सामर्थ, सबसे बड़ी बुनियाद है कि प्रभु यीशु मसीह जिंदा है। हम जिस यीशु मसीह के बारे में बात कर रहे हैं, मैं फिर से आपको बताना चाहता हूं, जीसस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल फिगर एवर इन द ह्यूमन हिस्ट्री। मनुष्य इतिहास में यीशु मसीह एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति है। आज जब पूरा संसार रिजरेक्शन डे को मना रहा है, अगर आप हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का अगर आप ट्वीट पढ़ें, वो भी इस बात को कहते हैं द रिजरेक्शन ऑफ जीसस क्राइस्ट। अरविंद केजरीवाल जो हमारे दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं, वो कहते हैं द रिजरेक्शन ऑफ जीसस क्राइस्ट। ईस्टर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ईस्टर? दिस बिलोंग्स टू जीसस एंड जीसस इज अ हिस्टोरिकल कैरेक्टर। पूरा संसार प्रभु यीशु मसीह को जानता है। जीसस यीशु कोई ऐसा सामान्य व्यक्ति नहीं है। एडी और बीसी, एनाटॉमी एंड बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व और ईसा बाद, अर्थात प्रभु यीशु एक ऐतिहासिक व्यक्ति है। जिस यीशु की हम बात कर रहे हैं, उसके पुनरुत्थान की बात कर रहे हैं, वो एक ऐतिहासिक व्यक्ति है। बहुत इंपॉर्टेंट वैलिड पॉइंट है, द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, द नंबर वन पॉइंट, जीसस इज हिस्टोरिकल मैन। नंबर टू पॉइंट, हिज डेथ वॉज पब्लिकल डेथ। उसकी जो मृत्यु थी, यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया जाना था, वो एक पब्लिकल डेथ थी। पब्लिक ने विटनेस किया, गवाहों ने उसको विटनेस किया। तीसरा, यीशु मसीह की खाली कब्र इस बात का बहुत बड़ा सबूत है कि यीशु मसीह जिंदा है, क्योंकि उस कब्र के पास कोई नहीं जा सकता। उस कब्र के पास जाकर कोई व्यक्ति उस कब्र को तोड़कर यीशु की लाश को बाहर नहीं निकाल सकता। और सबसे अंतिम और महत्वपूर्ण जो बात है वो है यीशु मसीह का उसके चेलों के साथ संगति। अर्थात यीशु मसीह जब वापस आए, जिंदा हुए, हम देखते हैं, हम कुछ महत्वपूर्ण पदों को देख लेंगे। अगर आप मेरे साथ बुक ऑफ एक्ट्स निकालें, मैं जैसा हमेशा इस बात को कहता हूं कि ये बहुत बड़ा विषय है और इसे केवल थोड़े शब्दों में और थोड़े विचारों से इसको हम पूरा नहीं कर सकते। हम देखते हैं बुक ऑफ एक्ट्स उसका चैप्टर 4, उसका चौथा अध्याय और उसमें 13 पद को आप देखें। प्रेरितों के काम उसका 4 अध्याय और 13 पद को आप देखते हैं। जब उन्होंने पतरस और यहूना का साहस देखा और यह जाना कि वे अनपढ़ और साधारण हैं, आश्चर्य किया और फिर उनको पहचाना कि ये यीशु के साथ थे, अर्थात यीशु मसीह के शिष्य हैं। They were the disciples of Jesus Christ। यहाँ पर शब्द आया है पतरस और यहूना का साहस। जी हाँ, ये वही पतरस है, ये वही यहूना है जो प्रभु यीशु मसीह को जब क्रूस पर चढ़ाया जा रहा था उसे छोड़कर भाग गए और दे वर इन द रूम। हम जानते हैं उनके पास इतनी क्षमता नहीं थी, उनके पास इतना साहस नहीं था कि वो उस समय की सरकार के साथ युद्ध लड़े। दे वर ओनली फ्यू पीपल, वो केवल 11 लोग थे। लेकिन अब इस व्यक्ति के अंदर एक साहस आ जाता है, एक सामर्थ्य आ जाती है और लिखा है 4 अध्याय में कि ये महासभा के सामने खड़े होकर कहते हैं। क्यों? ये साहस इनके पास कहां से आया? मेरे प्रियो, ये साहस उनके पास प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान से आया। The power of the resurrection। इस resurrection के द्वारा, इसे बाइबल कहते हैं कि इमाउस के मार्ग में प्रभु यीशु मसीह लोगों से मिला, 500 से अधिक लोगों के साथ यीशु मसीह मिला। उसने अपने आप को जेम्स से पर प्रकट किया, जो यीशु मसीह का भाई था, याकूब था, उस पर प्रकट किया। उसने अपने आप को पौलुस पर प्रकट किया, जिसके बारे में हम जानते हैं कि पौलुस कलीसिया को सताता था, मारता था, मसीह लोगों का विरोध करता था और अंत में वही पौलुस
प्रभु यीशु मसीह को, हम प्रेतों के काम उसके 9 अध्याय से हम जानते हैं उसका नाम शाउल था, और उसने प्रभु यीशु मसीह को देखा, ग्रहण किया, और अंततः वो प्रभु यीशु मसीह का प्रचारक बना, सेवक बना, दास बना, और उसने भी जाकर लोगों को यही गवाही दी, उसने यीशु को देखा है, उससे बातें की है। जी हाँ, वी आर टॉकिंग अबाउट द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सीडेंट इंसिडेंट एवर इन द हिस्ट्री, यीशु मसीह का इस संसार में पुनरुत्थान। मेरे प्रियो, इसलिए पौलुस कहता है, हम फिर से पहला कुरिन्थियों और उसके 15 अध्याय 16 पद को वापस पढ़ लेंगे, वहां लिखा है कि यदि मुर्दे जीवित नहीं होते तो प्रभु यीशु मसीह जीवित नहीं हुआ, और यदि मसीह जीवित है तो मेरे प्रियो हम भी जीवित रहेंगे। बाइबल कहती है, पौलुस कहता है कि वो जीवित है, पत्रस कहता है वो जीवित है, 500 से अधिक लोगों ने उसे देखा, और अंततः प्रभु यीशु मसीह का जो स्वर्गारोहण है, physically ascended into heaven, वो एक बहुत बड़ी घटना है कि अपने जीवित होने के पुनरुत्थान के 40 दिन तक यीशु मसीह लोगों के बीच में रहा, और अंततः वो शरीर के साथ स्वर्ग में उठाया गया। मेरे प्रियो, मैं आपको फिर से रिमाइंड करना चाहता हूँ, ये यीशु मसीह ऐतिहासिक है, ये हिस्टोरिकल फिगर, नंबर वन। नंबर टू, यीशु मसीह की जो डेथ है वो एक पब्लिकल डेथ है, पब्लिक के सामने यीशु मसीह को मारा गया, उसमें सरकार इन्वॉल्व है, उसमें लोग, यहूदी लोग इन्वॉल्व हैं, उसमें बहुत सारे विटनेस इन्वॉल्व हैं, ये केवल यीशु और उसके शिष्यों के बीच की घटना नहीं है। नंबर तीन, यीशु मसीह की खाली कब्र, जो एक बहुत बड़ा विषय है, उस कब्र तक कोई नहीं पहुंच सकता, वहां पर प्रोफेशनल सोल्जर्स हैं, उनके हाथ में हथियार हैं, उनके पास अधिकार है, वहां पर सील लगी है और कोई वहां पर नहीं आ सकता, लेकिन अब वो कब्र खाली है। और चौथा, सबसे महत्वपूर्ण और अंतिम, कि वो यीशु लोगों को दिखाई देता है, उनसे बातें करता है। ये वही यीशु है जिसके विषय में थोमा ने कहा कि मैं जब तक उसे छू ना लूं, मैं उस पर विश्वास नहीं करूंगा। और यीशु मसीह ने, हम सब जानते हैं कि वो पूर्ण रूप से शुद्ध हो गया था, उसको बहुत घायल था, वो पूर्ण रूप से शुद्ध हो गया था, ठीक हो गया था, he was completely healed, but for him, थोमा के लिए उसने उन घावों को ताजा रखा ताकि वो थोमा को दिखा सके कि थोमा, यही तुम देखना चाहते हो, यही छू कर तुम विश्वास करना चाहते हो। अब विश्वास कीजिए कि उसका ये सवाल, उसके मन में जो संदेह था, उसको किस तरह प्रभु यीशु मसीह ने दूर किया। उसने अपने आप को छूने दिया उन घावों के साथ ही, कैप द वुंड्स, उससे उस घाव को जीवित रखा, ताजा रखा, ताकि वो देखकर उसे पहचान सके, इज द सेम मेसाया, इज द सेम क्राइस्ट हु डाइड ऑन द क्रॉस फॉर 2 डेज बैक। मेरे प्रियो, उसका लोगों के साथ मिलना, बातें करना, और जो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे जो अंतिम बात है वो ये है कि यीशु ने खुद कहा, उसने स्वयं कहा कि मैं पुनरुत्थान और जीवन हूं, और उसने कहा कि अवश्य है कि मैं शास्त्रियों के हाथ पकड़वाया जाऊं, मारा जाऊं, और तीसरे दिन जीवित हो उठूं। मेरे प्रियो, इतिहास में ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ कि कोई व्यक्ति अपने जीवन की भविष्यवाणी को, अपनी आने वाली बातों को, अपनी मृत्यु के बारे में और अपने पुनरुत्थान के बारे में अपने शिष्यों के साथ बांट रहा है। मैं आपको फिर से बताना चाहता हूँ, जब कोई घटना घटती है तो उसके पीछे बहुत सारे जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, रिजल्ट हैं, उसमें हिस्टोरिकल फैक्ट हैं, उसमें एविडेंसेस, उसमें वो लोग इन्वॉल्व हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर आप सड़क पर कोई दुर्घटना देखते हैं, एक्सीडेंट देखते हैं, और जब पुलिस उसकी जांच पड़ताल करती है, पुलिस उसके बारे में जांच पड़ताल करती है, तो फिर वो लोगों से बात करती है, आपने क्या देखा, आप उस समय क्या कर रहे थे, तब लोग बताते हैं, सर हम यहाँ खड़े थे, हमारे सामने ये सब कुछ हुआ। वो एक्सटर्नल एविडेंस है, वो उस घटना के विक्टिम नहीं है, उस घटना में उन्हें कोई चोट नहीं लगी, उस घटना से उनका कोई लेना देना नहीं, बट दे वर द आई विटनेस, उन्होंने अपनी आंखों से देखा, और जो कुछ वो देख, जो कुछ हुआ है, वो जो बता रहे हैं, उसमें एक तालमेल होना चाहिए, उसमें एक सच्चाई होनी चाहिए। मेरे प्रियो, ठीक इसी तरह प्रभु यीशु मसीह ने कहा, पुनरुत्थान और जीवन में हूँ, और वो हमारे लिए संसार में आया, मारा गया, गाड़ा गया, और तीसरे दिन जीवित हो उठा। यही मसीह विश्वास की बुनियाद है। एक तरफ संसार में बहुत सारे मत हैं जो सिद्धांतों पर और तमाम प्रकार की कहानियों पर आधारित हैं, लेकिन मसीह विश्वास कहानियों पर आधारित नहीं है, ये इतिहास पर आधारित एक सबसे मजबूत घटना है, क्योंकि प्रभु यीशु स्वयं एक ऐतिहासिक व्यक्ति है।
He himself is a historical figure. अगर हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में इतिहास के अगर हम बाइबल से ना पढ़े तो हम जानेंगे कि यीशु मसीह इतिहास के पन्नों में भी एडी और बीसी जैसे मैंने आपको बताया ईसा पूर्व और ईसा बाद एंड अ डोमिनियन बिफोर क्राइस्ट इतिहास में भी हम उस यीशु मसीह का वर्णन देखते हैं और बहुत सारे जो सेकुलर हिस्टोरियंस हैं या सेकुलर साइंटिस्ट हैं इस संसार में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस बात को प्रूफ किया है जिन्होंने इस बात को माना है कि प्रभु यीशु मसीह एक ऐतिहासिक व्यक्ति है एक ऐतिहासिक व्यक्ति है और उसके साथ जो कुछ घटना घटी है वो इतिहास का सबसे बड़ा कारण है दैट्स व्हाई टुडे एज वी आर सेलिब्रेटिंग द रेजरेक्शन डे वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट वी बिलीव डॉक्टर रवि जकरिया सेड अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग व्हाट यू बिलीव इन योर हार्ट मस्ट मेक सेंस इन योर माइंड मेरे प्रियो अगर आप विश्वास करते हैं कि आपका यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा आपको आपके विश्वास को समझना जरूरी है क्यों ये सब कैसे हुआ और अगर आप इस विश्वास मत को नहीं जानते तो यू शुड नो आपको जानना चाहिए कि इस संसार में एक व्यक्ति था जिसका नाम यीशु मसीह था वो इस संसार में हमारे लिए आया हमारे पापों के लिए मारा गया गाड़ दिया गया और तीसरे दिन वही यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा और बात यही खत्म नहीं होती बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह ने कहा है एक दिन वही यीशु मसीह बादलों पर आएगा और हर एक आंख उसको देखेगी और स्वर्ग खुल जाएगा हर एक व्यक्ति हर एक घुटना झुकेगा हर एक आंख यीशु मसीह को देखेगी एंड इज द सेम जीसस व्हाट ही से इट हैपेंस जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया जो वो सोचता है जो वो बोलता है वही वो करता है मेरे प्रियो इसलिए मैं प्रभु यीशु मसीह से प्यार करता हूँ इसलिए मैं उसके पीछे चलता हूँ बिकॉज व्हाट ही सेज इट हैपेंस उसने कहा है कि भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों से इस वचन से एक बिंदु और मात्रा भी नहीं हटेगा वही यीशु मसीह एक दिन इस संसार में आएगा और हम सब उसे देखेंगे मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ पुनरुत्थान दिवस की बहुत सी आपको शुभकामनाएं देता हूँ ब्लेसिंग्स देता हूँ और मैं विश्वास करता हूँ कि इस पुनरुत्थान दिवस को इस रिजरेक्शन डे को आप समझें यू मस्ट नो व्हाट यू बिलीव आप जो विश्वास करते हैं उसको आप समझें जिसके लिए वचन में बहुत सारे प्रमाण हैं बहुत सारे तथ्य हैं यू शुड नो दैट जीसस क्राइस्ट हुम यू बिलीव इज अ लिविंग एंड रिजरेक्टेड गॉड एंड वन डे यू विल सी हिम प्रभु आप सबको आपके परिवारों को आशीष दें हैप्पी रिजरेक्शन डे मे द लॉर्ड ब्लेस यू एंड ग्रांट यू विजडम एंड गुड हेल्थ गॉड ब्लेस यू